नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजथ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुत गोस्वामी ने इतचांस कलापुरुष कृष्ण स्तो भगवान स्वयं और इंद्रारी व्याकुल लोक मृणयंती युग युग। उन्होंने कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म रूप में उन्होंने कृष्ण को स्थापन किया है। अभी श्री स्वर्णकाद ऋषि लोग सुतो गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, बोले आप कृपा करके ये बताए ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है कब और कहाँ और कैसे ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ आविर्भूत हुए हैं और किसकी प्रेरणा से श्री व्यास देव जी ने ये भागवत ग्रंथ उन्होंने बनाए और श्री सुखदेव गोस्वामी वो कौन थे? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो योगी योगी महायोगी कहते वो विद्वत सन्यासी थे हैं, जो मातृगर्भ में जो 16 साल तक जो मातृगर्भ में रहे कहते परिनिष्ठ तप निर्गुण ने उत्तम श्लोक लीलया, जो संपूर्ण ब्रह्म में जो डूबे हुए व्यक्ति थे हैं, कहते ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ तक भी जब श्री सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे जन्म लेकर के उस समय में आगे आगे सुखदेव गोस्वामी पीछे पीछे श्री व्यासदेव जा रहे थे, कुछ स्त्रियाँ विवस्त्र होकर के सबके सब स्नान कर रही थी, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी गए क्योंकि वो तो कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के अभी बता रहे एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जाता अनुराग द्रुत चित होते, कभी कृष्ण नाम लेकर रो रहे, कभी नाच रहे, कभी लोक पुटका रहे, वो तो एकदम दिव्य भगवत भाव में विभावित होकर के जा रहे थे। लेकिन उसी समय में जो लड़कियां थी ना हैं, एकदम लड़कियां थी, उन्होंने जैसे को तैसे पानी में विहार करते रहे, लेकिन जब पीछे पीछे श्री व्यास देव जी आए वो आते ही ना लड़कियां झट पानी से उतर गए और उतर के झट कपड़े से अपना शरीर को उन्होंने ढक लिए। इतने में श्री व्यास देव पूछ रहे हैं, बोले बड़े आश्चर्य की बात, उनसे पूछे ये बताओ मेरे बेटा नवजवान है और तुम भी नवजुवती हो, लेकिन मेरे बेटा जब जा रहा था उस समय में तुम लोग पानी में बैसे के बैसे विहार करते रहे और मैं तो तुम्हारे पिताजी के पिता के पिता लगता हूँ, एकदम बुढ़ा हो गया हो, दाढ़ी मेरे गोब दाढ़ी जटा जुट है, लेकिन तुम लोग मेरे को देख करके तुम लोग झट पानी से उतर गई, कपड़े से अपना शरीर को ढक दिया, इसका मतलब क्या है? बोले देखो आपका जो बेटा है जब जा रहे थे, देखो एक व्यक्ति को देखने पर अपने आप पता चल जाता है, अपने आप पता चल जाता है, बोलते वो तो जब चल रहे थे ऐसे लग रहा था हैं हैं ऐसे लग रहा था कोई संसार का कोई ज्ञान ही नहीं है, आपको तो ये प्रश्न कर रहे हो तुम लोग लड़कियां और मैं पुरुष हूँ, उनको तो यहाँ तक भी पता नहीं था हम लकड़ी ना लड़की है हैं, उनको यहाँ तक भी पता नहीं था, आप तो प्रश्न कर रहे हो तुम लोग लड़कियाँ मैं पुरुष हूँ हैं, इसलिए कहते जिनकी ऐसे जो बुद्धि युक्त हैं, कहते कहाँ एक समय में कहाँ समय तक एक जगह पर टिकते थे, बोले गो दोहन करने के लिए जितने समय लगता है उससे ज़्यादा समय ये कहीं टिकने वाले नहीं थे, और जिन्होंने 16 साल तक जिन्होंने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन जब उन्होंने एक बार मुंह खोले ना 7 दिन तक मुंह ही बंद नहीं किया, कृष्ण कथा की ऐसे महिमा ऐसे कृष्ण कथा की 7 दिन तक उन्होंने, और श्री परीक्षित महाराज भी वो भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, उसी समय संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में सप्तद्वीप जो वसुंधरा पृथ्वी के ऊपर में वो राज्य तो कर रहे थे परीक्षित महाराज हैं, राज्य तो कर रहे थे। अगर किसी व्यक्ति का थोड़ी मोड़ी कोई काम हो ना उसको पूछो भागवत कथा हो रही है कथा सुनने के लिए आओ, बोले भैया मेरे पास समय नहीं हम तो बिजी है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर राज्य तो करते हुए भी उन्होंने एक जगह पर 7 दिन तक बैठे कैसे कथा सुने कैसे, और जो व्यक्ति गो दहन तक एक जगह पर टिकने वाले लेकिन जब मुंह खोले 7 दिन तक उन्होंने कथा बोले कैसे,
इसलिए मैंने जितने प्रश्न किया और जो नहीं किया, आप कृपा करके सारे प्रश्न का आप कृपा करके हमें उत्तर दीजिए। जब सौनक आदि से लोग पूछे तो सुतो गोस्वामी तो उन्होंने इसके आंसर देते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते। इस जो श्लोक है ना, जो मैंने श्लोक बोलता हूँ, अगर तुम कथा करनी है इसी को सब नोट कर लेना जो काम में आएगा। बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराशर उद्योगी तासव्याम कलयारी। अभी जब द्वापर युग उपस्थित हुई होने पर कहते महर्षि श्री वेद व्यास ने हैं कहते कि उन्होंने पराशर की औरत से उन्होंने जन्म लिया। जब हमारे मथुरा में जो जहाँ पर विश्राम घाट वहीं पर कृष्ण गंगा घाट है हैं, जब वहीं पर श्री पराशर ऋषि किसी काम से यमुना पार करते हुए आए थे, जब वो यमुना वापस जा रहे थे हो गया शाम, पहले केवट लोग पानी को पास में किनारे का पास में झोपड़ी बना करके रहते थे, जो आते थे उनको पार करते थे। अभी दिन भर केवट ने लोगों को पार करते 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 थक गए थे, जब श्री पराशर ऋषि आ करके आवाज लगाए केवट जी मेरे को यमुना नदी पार करा दो, इतने में केवट ने अपना बेटी को बोले बोले सत्यवती जा बेटी बाबा को तुम नदी पार करा दो। जिस समय सत्यवती उनको नदी पार करा रही थी उसी समय में पराशर ऋषि तो साधारण व्यक्ति है नहीं, लेकिन ये सत्यवती कहाँ से जन्म हुई, कहते ये मछली के पेट से जन्म हुई, इसलिए इसका नाम था मत्स्य गंगा। अभी प्रश्न है कोई लड़की कोई मछली के पेट से कहीं लड़की जन्म हुई तो आपने सुने हो गई, कभी सुने हो कहीं लड़की कहीं मछली के पेट से जन्म होता है, तो फिर वो लड़की मछली के पेट से कहीं जन्म हुई। तब कहते हैं एक उपरिचर वसु वो आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे, इतने में उनकी रेत स्खलित हुई है ब्रिज स्खलित हुई, होने पर एक मछली ये भी कहीं पूर्व जन्म में कोई अप्सर थी जो उसने कुछ गड़बड़ी की तो उसने ऋषि की अभिशाप से वो मछली बनी हुई थी। जब उसने रेत स्खलित, इस भगवान की इच्छा है रेत स्खलित होने पर वो मछली ने वो रेत को पान कर लिया, कर लिया तो उसको पेट में जब वो रेत गई, फिर वहाँ जब ये मछुआरा केवट ने जब मछली को पकड़े जो उसको पेट को फाड़ना अपूर्व सुंदरी, क्यों किसकी औरत से, एक तो उपरिचर वसु अप्सरा अप्सरी दोनों को पिता माता जैसे होंगे बच्चे तब ऐसे होंगे ना, इसलिए बड़ी सुंदरी कन्या थी अद्भुत सुंदरी, लेकिन उस चूँकि वो मछली के पेट से जन्म हुई इसलिए उसका शरीर से मछली की गंध बदबू आती थी उसकी, इसलिए पहले उसका नाम था मत्स्य गंधा। लेकिन बाद में जब उन्होंने पार करा रही थी, पराशर ऋषि कोई साधारण नहीं, वो भी त्रिकाल दृष्टा है, जब नाव में पार होते होते एक टापू में लगा, इतने में चारों तरफ में कोहरा कोहरा हो गया, और श्री पराशर ऋषि श्री सत्यवती को प्रति अपना दिव्य दृष्टि से देखा, दर्शन मात्र से ही श्री व्यास देव जी वहाँ पर प्रकट हुई। जब उनका नाम पड़ गया क्या, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कृष्ण मतलब देखने में कृष्ण रंग काले रंग के थे, द्वैपायन मतलब दी से प्रकट हुए, वेद व्यास मतलब जिन्होंने वेद को उन्होंने विभाजित जिन्होंने किया है। इसलिए अभी शादी हुई नहीं, शादी से पहले अगर कोई बेटा हो जाए हैं, बेटा हो जाए अभी कितने लज्जा की बात है, अभी तो वो शर्मा गई भले अभी मेरी शादी नहीं हुई, शादी से पहले ही बच्चा हो गया, दुनिया में तो मेरी बड़ी निंदा होगी। लेकिन पराशर ऋषि बोले बेटी कोई चिंता मत करो, ये जो बेटा तुम्हारी जन्म हुआ ना ये पृथ्वी का भविष्य है, इसी से ही सारे खानदान आगे चलेगी, इसलिए कोई चिंता मत करो, लज्जा होने का कोई बात नहीं, बच्चा होने पर भी तुम्हारी बदनाम नहीं जगत में, तुम्हारी सुनाम हुई जगत में। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया बोले आज से तुम जोजन गंधा बनो हैं। इसलिए महाभारत देखे होंगे जब श्री शांतनु ने उन्होंने गए थे आखेट में, और वो उसका शरीर से जो खुशबू एक जोजन तक उसके शरीर की कमल फूल की खुशबू एक जोजन तक जाता था। अब महाभारत देखे होंगे जिसमें सुगंध से आकर्षित होकर के श्री शांतनु ऋषि उन्होंने गए, और उन्होंने किसको दर्शन किया, दर्शन उन्होंने श्री सत्यवती को दर्शन किया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्री व्यास देव जी ने इन्होंने
वो कौन है? कहते भगवान की है, बोले कलया हरे, हरि की कला समय भगवान की सत्या वैसा बता रहे। तब उन्होंने जन्म हुए वो अपना दिव्य दृष्टि से क्या देखा, बोले कलिजुग आने वाला है। ये कलिजुग आएगा तो लोगों का जो बुद्धि है ना धीरे 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 ह्रास होते जाएगा। पहले जो हम पुस्तक पुस्तक देख रहे हैं ना, पहले नहीं होता था ये, बच्चे पहले गुरुकुल जाते थे और गुरुकुल में उनको वेद उपनिषद पढ़ाते 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 सब रट लेते, वो किसी चीज़ को याद करने का जरूरत नहीं। क्यों? कहते उसी समय में लोग ब्रह्मचर्य पालन करते थे, हर चीज़ उनको प्योर चीज़ मिलता था। आप कभी कोई चीज़ प्योर नहीं मिलेगा, कोई चीज़ भी तुमको प्योर नहीं मिलेगा, सब हाइब्रिड दे करके बना रहे हैं हाइब्रिड। और सबके सब जितने हमको दाल फाल भी मिलता है उसमें भी सब सार फार उल्टा पुल्टा दे करके उसको सब बनाते हैं हर वस्तु। फिर पहले लोग ब्रह्मचर्य पालन करने पर जो स्मृति शक्ति बढ़ती है, लेकिन ये स्मार्ट फोन उल्टा पुल्टा आकर के फिर लोगों को ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य खत्म कर रहा है, हैं। और दूसरी बात, फिर पहले लड़कियां क्या होती थी, पहले लड़कियां स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाती थी, लड़कियां पहले घर में। अभी भी गाँव में जाओ, मैं जब किसको हरिनाम देता हूँ कहता हूँ कुछ लिखी पढ़ी हो गुजर की, बोले स्कूल गई हो ना स्कूल गई हो ना, हाँ पिताजी भेजो ही ना, घर का काम करती रही, भले इसलिए तुम्हारी शादी टिक गई हुई इसलिए तुम्हारी शादी टिक गई, स्कूल गई हुई ना इसलिए तुम्हारी शादी टिक गई है, इसलिए कोई जाता नहीं। वो रहती थी घर में, लड़के लोग बाहर जाते थे पढ़ते थे, लड़का लड़कियों से कोई मिलन नहीं होता था, ब्रह्मचर्य पालन करते थे, हैं। पहले लड़के ही लोग ही आश्रम में गुरु जी के आश्रम में जाते थे पढ़ते थे, ब्रह्मचर्य पालन करते थे। ब्रह्मचर्य पालन करने पर जो स्मरण शक्ति है ना वो एकदम तीव्र हो जाता है, इसलिए सबके सब पहले 25 साल तक गुरुकुल में रहते थे, इसलिए वो ब्रह्मचर्य पालन करते थे 25 साल तक, इसलिए उनका बुद्धि बड़े तीव्र बुद्धि होता था, हैं। लेकिन इन्होंने देखा ये कलिजुग आ रहा है, धीरे 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 सभी का जो स्मरण शक्ति धीरे धीरे। अभी किसी बच्चे को बोलो जाओ दुकान से 4-5 चीज़ लेकर के आओ, बोले कि पर्चा बना दो, याद नहीं रहेगी। 3-4 चीज़ की पर्चा की जरूरत है, हाँ। इसलिए उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब चीज़ को उन्होंने देख लिया, देख करके उन्होंने क्या किया, उनने फिर चार वेद को 4 भाग में विभाजित कर दिया, ऋग यजु श्याम और अथर्व। उन्होंने और उनको 4 चेले थे, उनने 4 चेले को एक एक वेद का ज्ञाता बना दिया, बोले कौन सा किसको क्या क्या ज्ञाता बनाया, बोले पहले को ऋग वेद का ज्ञाता बनाए और जैमिनी को साम वेद का और वैष्णवपायन को यजुर्वेद का और सुमन को अथर्व वेद का। और वो कह रहे हैं मेरे जो पिताजी हैं, कहते सुत गोस्वामी कहते मेरे पिताजी लोमहर्ष ऋषि उनको क्या बनाए, बोले समस्त पुराण इतिहास का उनको ज्ञान प्रदान किया मेरे पिताजी को। फिर उन्होंने देखा स्त्री और शूद्र हैं, तो जो कौन सा स्त्री और शूद्र और जो संस्कारहीन जो ब्राह्मण हैं, कहते उनको वेद श्रवण में ये अनधिकारी, इसलिए उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत, उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत को रचना किया। लेकिन रचना करने पर भी अभी सरस्वती नदी के किनारे में बड़े अप्रसन्न होकर के दुखी होकर के वहाँ पर बैठे हुए थे, और इतने में भगवत इच्छा से श्री श्री नारद जी वहाँ पर नारद जी उपस्थित होते हैं। जब नारद जी व्यास देव जी ने श्री नारद जी को देखा, उनने दर्शन करते ही बड़े प्रसन्न हो गए, बोले गुरु जी आ गए। जब गुरु जी आ गए तब उनको प्रणाम किया, प्रणाम करते हुए उनको आसन दे करके बैठाए, और आसन दे करके बैठाने पर उनका नाम ही गुरु। गुरु मतलब क्या है, बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकारस्तस्य निरोधक। जो गुरु है वो सब जानते हैं, और अगर जीवन में अगर गुरु आ गए ना वो तो प्रसन्न हो गए। क्यों? गुरु जी आ गए, हमारे अंदर में जो कमी है हम अपना कमी को स्वयं हम पकड़े नहीं सकते हैं, गुरु जी ही हमारी कमी को बता सकते हैं, इसलिए प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तब स्वयं श्री नारद जी श्री व्यास देव को स्वयं प्रश्न करते हैं, बोले नारद व्यास देव लगता है तुम्हारे मन में कोई प्रसन्नता नहीं है, लगता है तुम दुखी हो, बोले गुरु जी आप सही नस पकड़ लिया है।
मैंने तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे उपनिषद वेद पुराण ये सब के सब को मैंने प्रकटित किया है, लेकिन अंदर से मेरे को संपूर्ण रूप में सैटिस्फाई नहीं मिल रहा है। मेरे को ऐसे कुछ लग रहा है इसमें किस चीज़ की कमी है गुरुदेव, लेकिन कमी क्या चीज़ ये चीज़ को मैं नहीं पकड़ पा रहा। हाँ देखो यहाँ पर एक प्रश्न करते हैं, बोले भैया व्यास नारायण स्वयं, व्यास देव तो नारायण है, ये भगवान की सत्यावेशा बता रहे हैं, क्या इनको पता नहीं चल रहा है जीव का कल्याण कैसे होगा, नारद जी को पूछ रहे। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, कभी जो ब्रह्म विद्या है ना ये गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त है, ये ब्रह्म विद्या है, हैं अपनी आप प्राप्त है ये ब्रह्म विद्या नहीं, गुरु परंपरा के द्वारा ही ये ब्रह्म विद्या प्राप्त होता है, ये चीज को ये शिक्षा दे रहे हैं, हैं। और व्यास देव जी ये कौन है, विषय विग्रह, और श्री नारद जी कौन है, कहते आश्रय विग्रह है, हैं ये आश्रय विग्रह है, इसलिए कहते विषय विग्रह होने का नाते उनको कहते ना अहम वेद्मी सुख वेति व्यास वेति न वेति वा भक्त्या भागवतम ग्राज्यम नथ बुद्धया न च टीकया। यहाँ पर कहते व्यास वेति न वेति वा, व्यास देव जानते कि नहीं जानते हैं, मैं ये बात को नहीं बता सकता हूँ। तब श्री नारद जी उसका क्या कारण है, उनको संतोष क्यों नहीं मिल रहा है, इसका कारण उन्होंने बताए, बोले भवता अनुदित प्रायम, श्लोक याद है ना, भवता अनुदित प्रायम भगवतो जसो भगवत मलम जनौ बासम न तुष्यत मन्यत दर्शनम खिलम। लिखा कहते भवतानुदित प्रायम, लिख लो भवतानुदित प्रायम जसो भगवतो मलम जेनई बासौ न तुष्यत मन्यत दर्शनम खिलम। ये एक श्लोक है, और एक श्लोक लिख लो जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्ज्यान कीर्तित, याद है न तथा वासुदेवस्य महिमा जनु वर्णित। देखो इसलिए शांति नहीं मिल रहा है, जब तक तुम खुद किसको शांति नहीं दोगे तुमको शांति मिलेगा कैसे, किसको शांति दोगे तब तो शांति मिलेगा ना, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रहा है। कारण है तुमने जितने बढ़ा चढ़ा करके धर्म अर्थ ये काम को विषय पर बोला, कैसे पैसा कमाओ उसको कैसे दान दो, कैसे स्वर्ग में जाओ, कैसे भोग करो, हैं तुमने ये धर्म अर्थ काम, फिर तुच्छ धर्म को कहते, अगर कोई पितृपुरुषों को मांस प्रदान करके उनको हैं मांस प्रदान करके अगर कोई भोजन करे तो उसको कोई पाप नहीं लगता है, और तुमने क्या बताया, संसार करते 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 जब पूरा के पूरा तुम विरक्ति हो जाओगे ना भैया, थोड़ा भजन भगवान के भजन कर ही ले, हाँ तुमने छोटे छोटे धर्म को विषय पर जितने तुमने बढ़ा करके ये दुनियादारी की ये संसार गृहस्थ जीवन की महिमा तुमने जितने बताए, उतना तुमने भगवान की भक्ति भगवान की शुद्ध भजन के बारे में भगवान की जो दिव्य चरित्र के बारे में तुमने इतने नहीं बताया। बोले गुरुदेव आप कैसे बता रहे हो, मैं बताया नहीं कैसे, भगवान की कथा नहीं बताया मैंने, विष्णु पुराण में पद्म पुराण में दूसरे दूसरे पुराण में भगवान की बहुत सारी मेरी कथा सुना, बोले बताया तो, लेकिन जथा धर्म दयाश्चार्था मुनि वर्ज्यान कीर्तित, तुमने जितने बताया भगवान की कथा लेकिन तुमने जितने सांसारिक धर्म को ये दुनियादारी धर्म को और छोटे निकृष्ट धर्म को जितने तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताया उतना तुमने दिल खोल करके भगवान की जस को महिमा को तुमने नहीं गाए, हैं महिमा को नहीं गाए। बोले देखो ये जो साधु है ना ये कौन है, ये साधु कहते हैं कि जैसे मानस सरोवर में ये हंस जैसे है, हंस क्या खाता है कमल का मधु खाता है, ये कमल का मधु खाने वाले, लेकिन अगर किसी शास्त्र में बड़ी सुंदर सुंदर अलंकार है, बढ़िया बढ़िया अलंकार शब्द की विन्यास है, लेकिन उसमें भगवान की कथा नहीं, ठाकुर जी की कथा नहीं, लेकिन इस शब्द की क्या विन्यास है क्या अलंकार है, ये संत लोग उसको आदर नहीं देते हैं। लेकिन कोई इतना सुंदर शब्द अलंकार नहीं लेकिन टूटी फूटी बात है, लेकिन टूटी फूटी बात लेकिन उसमें भगवान की महिमा, ठाकुर जी की उसमें कथा है,
ये संत लोग उसी को ही पान करते हैं, हैं? उसी को ही पान करते हैं, इसलिए निष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जित न शोभते। भगवान से ये निष्कर्म है कर्म होने पर भी अगर भगवान प्रति अगर अर्पित नहीं हो तो कहते उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए तुमने दिल खोल करके भगवान की महिमा को नहीं गाई। बोले देखो तुमने क्या बताया, संसार करते 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 जब विरक्ति हो जाओ ना, भजन कर लेना। किसको पूछो तो संसार से कौन विरक्ति हो गए, जितने बड़े बड़ों को पूछ लो संसार से विरक्त हो गए। आप देखना संसार का जितना डंडा पड़ता है ना, बीवी भी गाली देती है, बच्चे भी बात नहीं सुनते, परिवार भी कोई सुनते नहीं। जितने व्यास देव जी ने देखा, उन्होंने व्यास देव जी ने दिखा, सबका डंडा पड़ रहा है संसार में। पूछ लो संसार से किसकी आसक्ति खत्म हो गई। ये वृंदावन में ना जितने बुढ़िया आप देखोगे वृंदावन में, जो हर जो राधे से हम आश्रम में जाओगे, जो हरे कृष्ण कहते हैं ना, कुछ पैसा मिलता है। हर व्यक्ति का जीवन जाकर पूछ लो क्यों क्यों छोड़ करके आए। बोले जब बेटा का शादी हो गया, बहू की गाली सुन करके, बेटा की गाली गलौज सुन करके, संसार की अशांति देख करके भाग गया। लेकिन करते हैं क्या, यहाँ पर जो कंबल मिलता है, जो कपड़ा मिलता है, जो पैसा मिलता है ना, उसको भी पूरा जमा जमा कर रखते हैं। रख करके क्या करते हैं, उसको लेकर के साल में जाकर देखने चले जाते, सबको गाली सुन करके आए, सबकी अभिमान ताड़ना गाली गलौज सुन करके आए, लेकिन संसार से विरक्ति नहीं होता है। जितने डंडे पड़े उतना ही ज्यादा चिपक कर उतना ही संसार में चिपक जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बोले तुमने क्या बताया, संसार करते करते जब विरक्ति हो जाए ना भरी, तब संसार छोड़कर भजन थोड़ा कर लेना। बोले अब तो कोई विरक्ति हुई है संसार करते करते नहीं, स्पष्ट रूप में ये बात को बताओ तुम क्या, जब तक जीव भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करता है तब तक जीव का कल्याण नहीं। इसलिए क्या रचना करो, बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो, भागवत से ही जीव का कल्याण और मंगल ये भागवत से ही होगा। जब नारद जी बड़ी सुंदर सुंदर कथा उनको सुनाए, फिर उन्होंने अंतिम में सुनाते हैं, देखो अभी मैं इतने बड़े साधु बना कैसे, किसकी कृपा से आज मैंने साधु बना, इतने बचपन में मेरी भगवान की प्रति रुचि कैसे हुई है। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, जो गुरु जी है ना वो क्या सुनाते हैं, वो अपना जीवन चरित्र को सुनाते हैं। देखो आज हम इतने बड़े साधु बने कैसे, कैसे मैं ये भक्ति में आया, कैसे गुरु वैष्णव की सेवा की, कैसे भक्ति करके करते हुए कैसे मैंने आगे बढ़ा। गुरुदेव अपना अनुभूत की बात बताते हैं, अभी नारद जी अभी अपना अनुभूत की बात बताएंगे, आज हम इतने बड़े साधु कैसे बने, इसको हम कल सुनेंगे श्री नारद जी कथा। वंशा कल दुर्भ्य कृपा सिंधु भय वच पतितानंग पावने भो वैष्णव भो नमो नमो।